नमस्कार, मैं अभिमन्यु दैया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सबका एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th जियोग्राफी के अंतर्गत वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, मैप एंड चार्ट्स का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप सब विद्यार्थियों को मौसम व मौसम से संबंधित विभिन्न तत्वों का मेजरमेंट किन टूल्स के माध्यम से करते हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, इन सब का अध्ययन कराना इस व्याख्यान का उद्देश्य रहेगा। मौसम डेफिनेशन और डेवलपमेंट इन स्टडी। मौसम क्या होता है? क्षण प्रति क्षण बदलती वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। यह कुछ पदों में ही चेंज हो सकता है। मौसम की प्रमुख दशाएं मुख्य रूप से ये हो सकती हैं, मेघाच्छन्न यानी जिस दिन बादल छाए हों, आर्द्र यानी जिस दिन वातावरण में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो यानी वर्षा वाले दिन, उमस वाला दिन यानी जिस दिन हाई टेम्परेचर प्लस हाई ह्यूमिडिटी, तापमान भी अधिक हो और वायुमंडल में आर्द्रता भी अधिक हो तो ऐसा उमस भरा मौसम कहलाता है। तूफानी मौसम जिस दिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही हों, और खिला या सुहाना मौसम यानी जिस दिन अच्छी धूप खिली हो, अच्छी धूप निकली हो, बादल रहित दिन सुहाना मौसम कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि मौसम संबंधी तथ्यों का पर्यवेक्षण और अभिलेखन कैसे करते हैं। तो इसके लिए विश्व भर में लगभग बहुत सारे स्थानों पर मौसम वैद्यशालाएँ, वेदर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है, जो प्रतिदिन विभिन्न मौसम संबंधी तथ्यों का अध्ययन करती है, उनका आकलन करती है और टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार के माध्यमों के द्वारा डाटा का एक्सचेंज भी करती हैं। आजकल बहुत सारे जो सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर हैं, इनका प्रयोग भी वेदर मेजरमेंट में किया जाता है। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारे देश में दिल्ली में ही स्थित संस्थान है, नेशनल सैटेलाइट मेट्रियोलॉजिकल सेंटर। तो और ये नीचे सैटेलाइट हैं, जो सैटेलाइट के द्वारा हम मौसम से संबंधित घटनाओं की जानकारियां कलेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये संस्थान दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में होता था और इस समय इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और देश के अंदर मौसम पूर्वानुमान को प्रकाशित करते हैं, यानी उसका डेली का बुलेटिन जारी करते हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड लेवल पर जो मौसम संबंधी मूल्यांकन है, मेजरमेंट है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है WMO, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये मौसम संबंधी ऑब्जर्वेशन करने वाली एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, जिसकी स्थापना 11 अक्टूबर 1947 में हुई थी। उसमें एक संधि हुई, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसलिए 23 मार्च को जो है वर्ल्ड वेदर डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। ये आप देख रहे हैं, ये WMO का लोगो है और ये WMO से जो संबंधित हेडक्वार्टर है जेनेवा में, वो आप देख पा रहे हैं। आता है कि जो वेदर फॉरकास्टिंग है, वेदर मौसम पूर्वानुमान है, इसका क्या महत्व है? क्या होता है कि किसी स्थान पर आने वाले 12 घंटे या 48 घंटे या और आगे 2-4 दिनों तक जो मौसम संबंधी घटनाएं होने वाली हैं, यदि उसका पूर्वानुमान पहले पता चल जाए तो बहुत सारी समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। जैसे यदि हमें पता हो कि कहाँ पर मूसलाधार बारिश होनी है, हिमपात होना है, अतड़ित झंझा हो सकती है यानी बिजली गिर सकती है या आंधी तूफान आ सकते हैं, तो इससे किसानों को फायदा होगा कि वो अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले सचेत किया जा सकता है और वायुयानों की सफल जो लैंडिंग एंड टेक ऑफ है वो भी मौसम पूर्वानुमान पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान जान माल के नुकसान को कम कर सकता है। नेक्स्ट आता है भारत में मौसम वैद्यशालाओं के वर्ग यानी कैटेगरीज। भारत में सामान्य रूप से 5 कैटेगरी की जो मौसम संबंधी ऑब्जर्वेटरी होती हैं या वैद्यशालाएँ हैं वो हैं। इनमें से सबसे बेस्ट होती है कैटेगरी नंबर 1। फर्स्ट वर्ग में
ऐसी वेधशालाएँ जिसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर होता है, जिसके अंदर विंड वेन यानी पवन वेग मापी और वात अधिक दर्शी होती हैं, जिसके अंदर शुष्क और आर्द्र बल्ब ताप मापी होती है जो आर्द्रता को भी साथ में मेजरमेंट कर सकती है, जिसके अंदर रेन गेज हो, जिसके अंदर एयर प्रेशर को मापने वाले बैरोमीटर हो। तो ये कैटेगरी वाली जो ऑब्जर्वेटरी होती है ये सबसे बढ़िया मानी जाती है। विश्व भर के अंदर जो वेधशालाएँ हैं वो सामान्य रूप से जो अवलोकन करती हैं मौसम संबंधी तथ्यों का, वो सामान्य रूप से 0 hr 3 3 बजे 6 9 12 15 18 और 21 यानी जो GMT टाइम है उसके अनुसार 8 बार जो है प्रेक्षण वो करती हैं, 8 प्रेक्षण घंटों में। ये आप देख रहे हैं, ये लंदन के अंदर GMT यानी ग्रीनिच मीन टाइम के वहाँ पर जो ऑब्जर्वेटरी है वो चित्र में आप देख पा रहे हैं। अब आता है कि जो वेदर ऑब्जर्वेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। तो मोटे तौर पर जो वेधशालाएं होती हैं वो 3 स्तर पर कार्य करती हैं। एक होती है ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन होती है अपर एयर ऑब्जर्वेशन और थर्ड वन होती है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले है धरातलीय वेधशालाएं। ग्राउंड ऑब्जर्वेशन में जैसे आप ये टूल देख रहे हैं तो ऐसी वेधशालाएँ होती हैं जिसके अंदर तापमान, वायुदाब, ह्यूमिडिटी, बादलों की कंडीशन आसमान में, पवनों का जो मोमेंट है और वर्षा को मापने वाले यंत्र यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। जैसे आप ये सब देख रहे हैं इसमें यहाँ पवन वेग मापी है, इसके अलावा रेन गेज, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, ये सारी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन संस्थान में लगाई जाती हैं, ये टूल्स यूज किए जाते हैं। दूसरी होती है अपरितन वायु वेधशालाएँ, अपर एयर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, एयर बैलून के माध्यम से जो वेदर टूल्स हैं उसको अपर लेयर में भेजा जाता है वायु में, तो वहाँ पर ऊपरी वायु की जो ऑब्जर्वेशन है वो इसके द्वारा किया जाता है। थर्ड वन होती है अंतरिक्ष स्थित प्रेक्षण प्लेटफॉर्म, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म। इसमें सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं जो खासकर वेदर संबंधी आंकड़ों को मेजरमेंट करते हैं। जैसे भारत के अंदर मैट सेट उपग्रह है जो मौसम संबंधी आंकड़ों के ऑब्जर्वेशन करता है और वो धरातलीय आंकड़ों के साथ साथ वायुमंडल के जो इवेंट्स हैं उनको भी रिकॉर्ड करता रहता है। इसी प्रकार से भारत के अंदर दूसरा एक सैटेलाइट है जिसको इनसैट कहते हैं, इंडियन सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। तो दोनों का चित्र भी आप देख पा रहे हैं, ये मैट सेट है, ये इनसैट है। तो ये बहुमूल्य ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं अंतरिक्ष के से वेदर संबंधी तथ्यों का। नेक्स्ट आता है मौसम के जो प्रमुख तत्व हैं वे कौन से हैं और उनको मापने वाले प्रमुख टूल कौन से होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मौसम के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें तापमान, वर्षा, वायु दबाव, पवने, आर्द्रता और मेघ होते हैं, यानी टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स, ये प्रमुख तत्व माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी एक तत्व में चेंज आता है तो बाकी के सारे तत्व भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा और एयर प्रेशर लो होगा तो विंड मूव करेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी एक मौसम संबंधी एलिमेंट में चेंज आने से सारा का सारा जो वेदर सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी स्थान पर किसी भी समय का धरातल से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर जो वायु के अंदर गर्मी होती है उसे वहाँ का तापमान कहते हैं। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर यानी तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वास्तव में एक शीशे की नली होती है जिसके अंदर या तो मरकरी भरा होता है या अल्कोहल भरा होता है। 2 टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं जिसके अंदर या तो पारा यूज किया जाता है या अल्कोहल यूज किया जाता है। तो प्रमुख जो थर्मामीटर हैं उनमें सबसे पहले आता है सेल्सियस थर्मामीटर। इसका जो आविष्कार है वो एंड्रस सेल्सियस ने किया था। ये स्वीडन के आविष्कारक रहे हैं जिन्होंने 1742 के अंदर 1742 में इस थर्मामीटर को डेवलप किया था। और इसके अंदर जो हिमांक बिंदु है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकेंड वन आता है फॉरेनहाइट थर्मामीटर। इसका आविष्कार डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था। इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, जबकि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो
212 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच होता है, यानी इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है। थर्ड वन होता है र्यूमर थर्मामीटर, जिसका आविष्कार रेने एंटन रिम्योर ने किया था। इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री आर होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री आर होता है। और चौथे टाइप्स का भी एक पैमाना होता है जिसे हम बोलते हैं केल्विन पैमाना। इसके आविष्कारक रहे हैं लॉर्ड केल्विन, जिन्होंने 1800 ईस्वी के बीच में इसका आविष्कार किया था। इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 डिग्री 273.15 के होता है, यानी इसका क्वथनांक बिंदु होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373.16 के होता है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसको 100 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक भाग को हम 1K के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन पैमाने के अंदर डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, इसमें डिग्री में नहीं लिखा जाता। और जो इसके आविष्कारक रहे हैं लॉर्ड केल्विन, इनके कुछ और नाम भी रहे जैसे विलियम थॉम्पसन और बेरेन केल्विन। नेक्स्ट आता है कि सेल्सियस को हम फारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं, यानी यदि आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में है और उसको आपने फारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से और उसमें प्लस कर देंगे 32। तो जैसे मानव शरीर का जो तापमान है 36.9 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसमें प्लस कर देंगे आप 32, तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है तो फिर क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर है उसको 5/9 और फिर आगे जो फारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है और -32, ये मेथड लगा के आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वो 1.1 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि -40 डिग्री सेल्सियस पर और -40 डिग्री फारेनहाइट पर दोनों थर्मामीटरों में जो मरकरी का लेवल होता है वो एक समान होता है। नेक्स्ट आता है कि परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। देखो, किसी वस्तु के अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती, मैक्सिमम टेम्परेचर उसका कितना हो सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान की एक सीमा होती है। कोई भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य तापमान कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि क्या आप जानते हैं कि पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। मरकरी थर्मामीटर है तो वो -39 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है, क्योंकि उससे आगे मरकरी जम जाएगा। तो इसलिए इससे नीचे के तापमान का प्रयोग करने के लिए हम एल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो एल्कोहल है वो -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट आता है 6 का अधिकतम व न्यूनतम थर्मामीटर। एक थर्मामीटर ऐसा होता है जिसके अंदर एक ही ट्यूब के अंदर दो शीशे की नलियां होती हैं जो आपस में, वो एक्चुअली में वो एक ही होती है, लेकिन उसमें ऊपर मरकरी भरा होता है और मतलब नीचे मरकरी होता है और उसको ये एक विशेष प्रकार का यानी थर्मामीटर होता है जिसमें दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और रात का मिनिमम टेम्परेचर दोनों एक ही साथ उसमें मेजरमेंट हम कर सकते हैं। इसका आविष्कार किया था J6 नामक विद्वान ने। इसमें क्या होता है कि जो न्यूनतम थर्मामीटर होता है जो पहली भुजा में, इसमें नीचे से ऊपर की ओर इसमें लिखे रहते हैं टेम्परेचर, और जो दूसरी भुजा होती है जिसपे हम मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो है हम नीचे से ऊपर की ओर इसको पढ़ सकते हैं, यानी इसमें आंकड़े जो है ये मिनिमम वाला है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर या इधर माइनस में रहेगा टेम्परेचर, इधर प्लस होता चला जाएगा, और इसमें यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर माइनस में है और इधर ये मैक्सिमम की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से इस ये 6 थर्मामीटर है जो एक ही के द्वारा दोनों टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट आता है स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन वास्तव में एक फट्टे का बॉक्स होता है लकड़ी का। तो इसमें क्या होता है, इसमें बीच में गैप होता है जिसमें से हवा आर पार जा सकती है। इसके अंदर एक्चुअली में थर्मामीटर को रख दिया जाता है ताकि इसके अंदर से गुजरने वाली हवा का एक्चुअल तापमान हम मेजर
कर सकें, यानी बाहर के किसी भी प्रकार का प्रभाव वायुमंडल वायु के तापमान पर ना पड़े। इसमें ध्यान रखें कि जो उत्तरी गोलार्ध में है यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाज़ा उत्तरी गोलार्ध की ओर रखा जाता है और उत्तरी ध्रुव की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसका जो दरवाज़ा है वो साउथ पोल की ओर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है समताप रेखाएं यानी आइसोथर्म्स क्या होती हैं। वे रेखाएं जो मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं वो आइसोथर्म कहलाती हैं। इसमें आपने एक बात ध्यान रखना है, इसे समानित तापमान रिड्यूस टू सी लेवल तापमान इसको कहा जाता है। क्या होता है, जैसे मान लो यदि शिमला का जो टेम्परेचर वो 5 डिग्री सेल्सियस है तो उसे हम जो आइसोथर्म है वो 21 डिग्री सेल्सियस से दिखाएंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र तल से शिमला 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि शिमला समुद्र तल पर होता तो वहाँ पर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस अधिक होता, क्योंकि प्रत्येक 300 मीटर की ऊंचाई पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता हो जाता है। तो इसलिए समताप रेखाओं को जब भी हम मानचित्र पर खींचते हैं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट आता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, वायु भी धरातल पर भार डालती है यानी उसके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो वायु का जो दबाव है उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। और एयर प्रेशर का सीधा संबंध तापमान से है। जब तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और वह फैल जाएगी तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे जैसे तापमान गिरेगा तो वायु प्रेशर एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। एयर प्रेशर को हम बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। अब देखते हैं कि बैरोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं। बैरोमीटर जो है एक सिंपल बैरोमीटर होता है जिसे टोरीसीली का बैरोमीटर या वायु दबाव वायु दाब मापी कहते हैं। इसके आविष्कारक इटली के विद्वान रहे हैं टोरीसीली, जिसने 1644 में इसको आविष्कार किया था। इसमें वास्तव में एक यहाँ पर खाली एक टब टाइप्स का होता है जिसके अंदर एक कपड़ा या पर्दा सा लगा रहता है जिसके ऊपर एयर प्रेशर डालती है तो जो मरकरी है वो इस ट्यूब में चढ़ जाता है। नॉर्मली ट्यूब जो है वो इस ट्यूब के अंदर नॉर्मल स्थिति में पारा 29.92 इंच पर रहता है या 76 सेंटीमीटर पर रहता है, जो वायु के सामान्य वायु दबाव को दर्शाता है। दूसरा होता है 14 का वायु दाब मापी, 14 बैरोमीटर। इसके अंदर थोड़ा सा ये जो साधारण पारद थर्मामीटर होता है उसका ये प्रिस्कल टोर्सन शोधित रूप होता है, यानी इसके अंदर यहाँ पर नीचे एक लचीली थैली लगा दी जाती है जिसके अंदर एक एडजस्टेबल पेंच होता है और इसकी सहायता से जो है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं पेंच को। और थैली के अंदर पारे की जो सतह होती है इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा दिया जाता है जिसे सामान्य रूप से हाथी दांत का वो सूचक होता है, और इसकी नोक जो है वो बैरोमीटर की इसमें स्केल में जो मरकरी अप या डाउन करता है तो उसके द्वारा इसका मेजरमेंट हम करते हैं। नेक्स्ट आता है निर्द्रव बैरोमीटर, एनिरोइड बैरोमीटर। जैसा कि पता चल रहा है नाम से, इसके अंदर कोई भी द्रव नहीं होता है। ये 1843 के अंदर लूसियन विडाई ने इसको डेवलप किया था। एनिरोइड शब्द का मतलब होता है नहीं, नीरोज का मतलब होता है मॉइस्चर, यानी जिसके अंदर कोई भी द्रव नहीं होता। इस वास्तु में क्या होता है, ये एक प्रकार की घड़ी टाइप्स का होता है जिसके अंदर जो सबसे ऊपर का डायल है ये लचीला होता है, यानी इसके ऊपर एयर प्रेशर गिरेगा तो ये नीचे प्रेस होगा, और जैसे ही यहाँ पर प्रेस होगा तो इसके नीचे एक धागा या सुई रगी रहती है जो नीडल को मूव करती है, तो उसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एयर प्रेशर को। और इसके जो डायल है उस पर अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई रहती हैं, जैसे इसमें स्टॉर्मी, रेनी, चेंज, फेयर या वेरी ड्राई, तो ये यहाँ पर इसके डायल पर लगे रहते हैं। और जैसे ही इसके डायल पर वायु का दबाव पड़ेगा तो वो जो नीडल है वो अलग अलग सिचुएशन दिखाती रहती है कि इस समय किस प्रकार का वायुमंडलीय दशाएँ हैं। नेक्स्ट आता है आर्द्रता। वायु के अंदर जो मॉइस्चर होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं, और आर्द्रता को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी किसी निश्चित तापमान पर वायु के अंदर जो वास्तविक ह्यूमिडिटी है वो
सापेक्ष एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, जिसे हम ग्रेन प्रति घन फुट के अंदर व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वास्तविक आर्द्रता कम होती जाती है, स्थल की अपेक्षा समुद्रों पर वास्तविक आर्द्रता अधिक होती है क्योंकि वहाँ पर पानी जो है ज़्यादा रहता है। सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि किसी दिए गए तापमान पर उसी वायु में जिसमें ऑलरेडी आर्द्रता थी वो और कितनी आर्द्रता को धारण कर सकती है, ये इस अनुपात को उस वायु की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्द्र एवं शुष्क बल्ब थर्मामीटर। ये वास्तव में क्या होता है कि इसके द्वारा हम जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको मापा जाता है, यानी आर्द्र एवं शुष्क बल्ब थर्मामीटर के द्वारा हम सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं कि कोई भी वायु है वो और कितने जल वाष्प धारण कर सकती है। वास्तव में इसके अंदर नीचे एक टब या कोई बाल्टी होती है जिसके अंदर मलमल का एक कपड़ा जल में भरे टब में लटका दिया जाता है, यानी वो वायु की आर्द्रता से रिलेटेड स्थिति को प्रकट करता रहता है। यानी जो आर्द्र बल्ब थर्मामीटर वायु के सामान्य तापमान को प्रकट करता है और इसके द्वारा जो यानी एक थर्मामीटर में तो नॉर्मल जो शुष्क वायु है उसका पता चल जाएगा और दूसरी में आर्द्र वायु का पता चल जाएगा कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक विशेष टेबल के माध्यम से हम इसकी गणना करते हैं और इस प्रकार से दोनों थर्मामीटरों के अंदर जो ड्राई और वेट है दोनों की कैलकुलेशन करके हम किसी भी स्थान की सापेक्षिक आर्द्रता की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैरोमीटर से ऊंचाई ज्ञात करना। बैरोमीटर से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को हम ऑल्टीमीटर या तुंगता मापी कहते हैं। वास्तव में क्या होता है कि ये एक निर्द्रव बैरोमीटर होता है और वायु दबाव के साथ साथ उस स्थान की ऊंचाई भी इसके द्वारा माप ली जाती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जो ताप वायु दबाव का गिरना है वो एक निश्चित दर पे गिरता है, तो इस हिसाब से हम इस मल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि वायु दबाव जब मापते हैं तो उनको हम किस इकाइयों में मापते हैं। वास्तव में वायु दबाव मापने के लिए तीन इकाइयों का प्रयोग होता है, एक होती है इंच, सेंटीमीटर और मिलीबार। इंच और सेंटीमीटर ये लंबाई का रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए ये उन बैरोमीटरों के अंदर यूज की जाती है जिसके अंदर मरकरी अप या डाउन करता है, यानी जिसमें शीशे की ट्यूब होती है, जैसे फोल्टीन बैरोमीटर या क्यू पैटर्न बैरोमीटर। मिलीबार जो होती है फोर्स दबाव का या शक्ति का प्रतीक है, तो इसलिए ये जो है आजकल जो अधिकतर एनीरोइड जो बैरोमीटर हैं उनके अंदर इस प्रकार का मिलीबार का यूज किया जाता है। और जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर एक मिलीग्राम के भार को एक डाइन कहा जाता है और 1000 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर को एक मिलीबार कहते हैं। और जब 1000000 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव होगा तो उसे हम एक बार कहते हैं। एक इंच पारे का दबाव 33.9 मिलीबार यानी 34 मिलीबार के बराबर होता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर यानी जब वायुमंडल में हम 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो एक इंच या 34 मिलीबार वायु दबाव घट जाता है। इसी के आधार पर हम ऊंचाई के साथ साथ यानी एयर प्रेशर से हम किसी स्थान की ऊंचाई की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेनफॉल। जब वायुमंडल से जलवाष्प बूंदों के रूप में ज़मीन पर लौटते हैं तो इसे हम वर्षा कहते हैं, और वर्षा का जो मापन है वो रेन गेज के द्वारा किया जाता है। ये वास्तव में एक शीशे की ट्यूब होती है, यानी एक प्रकार का जैसे गिलास होता है तो इस प्रकार का ये एक सिलेंडर होता है और इसके ऊपर एक कीप रख दी जाती है ताकि उसके अंदर प्रॉपरली पानी उसमें जाता रहे। आजकल ये इस टाइप का इसमें बना लगा देते हैं इसको यंत्र को, ताकि बाहर का किसी प्रकार की जो नीचे से बूंदे टकरा कर वापस पानी इसमें ना जाए। तो वर्षा को जो है भारत के अंदर मिलीमीटर या सेंटीमीटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। रेन गेज को हम यूडोमीटर या प्लियोमीटर भी कहते हैं, और सामान्य रूप से भारत के अंदर सुबह 8 बजे पिछले 24 घंटों की वर्षा का कैलकुलेशन किया जाता है कि पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश किसी स्थान पर हुई है।
नेक्स्ट आता है विंड, गतिशील वायु को विंड कहते हैं, पवन कहते हैं, और वायु अधिक दबाव वाले यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम वात दिक सूचक विंड वेन, जो ऐसा होता है यानी इसके एक सिरे पर तीर होती है और दूसरे हिस्से पर कोई चौड़ा हिस्सा होता है, तो हवा टकराएगी तो जो एरो है वो हवा जिस दिशा से हवा आ रही है उधर रहेगी, और जो इसका बैक वाला हिस्सा है वो हवा के अपोजिट रहेगा। और इसकी जो गति है वो हम विंड एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं, यानी पवन वेग मापी के द्वारा मापते हैं, जिसके ऊपर कुछ कटोरियां लगी होती हैं जो एक ही दिशा में होती हैं, और हवा उसको प्रेशर डालती है तो वो तेज़ी से मूव करती हैं, और उसके नीचे एक मीटर होता है जिसके द्वारा हवा की गति का कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है भारत के दैनिक मौसम जो सूचक मानचित्र हैं इस पर क्या कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेली जो वेदर रिपोर्ट है इस पर वायु के दबाव का वितरण दिखाते हैं, वायु की दिशा और गति, आकाश की दशाएं, बादलों की मात्रा, वर्षा, दृश्यता यानी विजिबिलिटी, और सागरीय अवस्थाओं को एक साथ दिखाया जाता है। सामान्य रूप से ये प्रातः 8:30 बजे की मौसम दशाओं को रिप्रेजेंट करते रहते हैं वेदर चार्ट, और इनको हम वेदर सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो मैप होता है वेदर चार्ट होता है उसके ऊपर वेदर सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वेदर चार्ट हैं जिसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इनको जो जिन सिंबल्स के द्वारा हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम सिनेप्टिक मौसम चार्ट कहते हैं, और ये मौसम विज्ञान प्रतीक के रूप में कहलाते हैं इनके जो कोड होते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम चार्ट प्राइमरी टूल होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम चार्ट प्राथमिक यंत्र होते हैं। अब बात आती है कि जो मौसम टूल्स होते हैं यानी मौसम से संबंधित वेदर चार्ट होते हैं उन पर कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अलग अलग सिंबल्स यूज हम करते हैं जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और राष्ट्रीय मौसम ब्यूरो के द्वारा स्टैंडर्ड सिंबल्स कुछ अडॉप्ट किए गए हैं जिनके द्वारा हम वेदर चार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और 1935 में वारसा एक स्थान है पोलैंड में, उसमें संपन्न अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सम्मेलन में इन सिंबल को फाइनलाइज किया गया था कि वर्ल्ड लेवल पर ये सिंबल्स यूज होंगे। जैसे ये क्लाउड से संबंधित हैं कि क्लाउड कवर कितना है, जैसे यहाँ कोई क्लाउड नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरकास्ट है यानी आसमान में बादल ही बादल छाए हुए हैं। ऐसे ये विंड की स्पीड है जो नोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेदर कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं जो सिंबल्स हैं। और इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं है, यहाँ पर 1/10 है या 1/4 है यानी आधा आसमान, इसमें 1/2 है, इसमें ओवरकास्ट है। ऐसे ही यदि ऐसे दिखाया गया है तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, सीधा है तो 5 नोट, इसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे तो 5 नोट। तो ऐसे ये फॉन्ट्स के हैं यानी फ्रॉन्ट्स के, यदि रेड है तो वार्म है, ब्लू है तो कोल्ड है। तो इसी प्रकार से ये डायरेक्शन दिखाते हैं। एच मैप पे अगर एच लिखा तो हाई प्रेशर है, लो लिखा है तो लो प्रेशर है। ऐसे लेटे हुए एट की तरह से अगर बनाया गया तो हैज है, ये स्मोक का सिंबल है, ये डस्ट का सिंबल है। इसी प्रकार से ये रेनफॉल के लिए है कि स्लाइट रेन है। तो इस अनेक प्रकार के सिंबल हम यूज करते हैं, ये क्लाउड्स के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे ही ये वेदर रेनफॉल के लिए हैं, अलग अलग कंडीशन में किस प्रकार की रेन हो रही है, तो ये जैसे हेल के लिए यूज होता है। तो अनेक वेदर चार्ट्स जो हैं यूज किए जाते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप अपनी जो प्रैक्टिकल से संबंधित बुक है उसका डीपली अध्ययन करेंगे। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं, जैसे ये शुद्ध हवा के लिए ये धुंध, कोहरा, कुहासा, हल्का, ये आप सिंबल देख रहे हैं। यदि ऐसा निशान है तो ये फुहार के लिए यानी ड्रिजलिंग के लिए है, ये वर्षा के लिए, ये हिमपात। तो ऐसे अनेक सिंबल्स हम यूज करते हैं, जैसे ये चंद्र का प्रभा मंडल है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। आप वेदर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ इंटरनेट के माध्यम से भी ले सकते हैं, जैसे कुछ वेबसाइट हैं, आप मौसम.imd.gov
पर जा सकते हैं जहाँ पर डेली जो वेदर बुलेटिन है वो जारी किया जाता है IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कुछ मोबाइल ऐप्स भी, आज लेटेस्ट ज़माना है, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ मोबाइल ऐप्स भी हैं जिनके द्वारा हम डेली वेदर रिपोर्ट को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आप ये ऐप देख सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, मौसम एक ऐप है, मेघदूत एग्रो एक ऐप है, दामिनी लाइटिंग जो खासकर थंडर स्टोरम के बारे में बताती है कि कहाँ पर लाइटिंग होगी, सफ़र ये एक एयर क्वालिटी से संबंधित मोबाइल ऐप है जो वास्तव में सफ़र की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो वायु की दशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था वेदर से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपका चैप्टर है वो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।